जो कुछ के बयान किया जाए उसको शरफ़ कबूलियत अता फरमा कर मुझ गुनहगार को भी और आपको हमें सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हुज़ूर पुरनूर शाफ़ी यौम नशूर ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदुल आलमीन महबूब रब्बिल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाज़िल फ़रमाया। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे लिए यानी मुसलमानों ही के लिए फ़क़त नहीं, दुनिया भर के इंसानों के लिए पैगाम हयात है। इसमें निज़ाम ज़िंदगी भी है और इसमें निज़ाम ताअत व बंदगी भी है। अल्लाह की इताअत कैसे की जाए, अल्लाह की बंदगी कैसे की जाए, उसका तरीक़ा क्या है, उसका सलीक़ा वो सलीक़े से कैसे होगी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंदीदा तरीक़ा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक कायनात है जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया और ये बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत दुनिया है, इसके हुस्न का आलम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक की हुई ये कायनात इतनी हसीन है कि आदमी इसको देखता रहता है और बाज़ औक़ात इसमें ऐसा गुम हो जाता है कि हर चीज़ से बेखबर हो जाता है, जो मस्त हो जाता है दुनिया के हुस्न में। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ में हुस्न रखा है। आप अगर जंगल की तरफ निकल जाएं तो उसमें भी एक खूबसूरती है, सरसब्जी है, शादाबी है। दरियाओं की तरफ निकल जाएं तो पानी की रवानी है, पहाड़ों की तरफ निकल जाएं तो पहाड़ों का एक सिलसिला है, मरगजार हैं, खेतियां हैं, बड़ी हसीन वादियां हैं। ये सब अल्लाह का हुस्न है पैदा किया हुआ। इसको देखने के बाद ये महसूस होता है, चांद का हुस्न अपने मकाम पर है, सितारों का हुस्न अपने मकाम पर है। चांद के हुस्न को देखकर आदमी ऐसा महव हो जाता है बाज़ औक़ात, दिल चाहता है देखते रहो। और वैसे भी हकीमों ने अतिब्बा ने लिखा कि चांद जो है उसके देखने से नज़र को तकवियत मिलती है, यानी आँखों को रोशनी मिलती है, ठंडक है उसमें, ठंडक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी रखी है, नज़र को ऐसी भली लगती है और इतनी अजीम शान रोशनी है कि सारी दुनिया उससे मुस्तफीद होती है। और ये चांद और सूरज और ये सितारे ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्वीर में मशगूल हैं। रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अम्मा नवालु इरशाद फरमाते हैं अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बानिम والنجم والشجر يسجدان। और तुम देखो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बसीरत की आंखें अता फरमाए तो तुम देखो, और कान अगर मिल जाएं तो सुनो। ये कान तो हैं, कान तो हैं बज़ाहिर, लेकिन इन कानों के अंदर दो कुव्वतें हैं। ये आंख तो है मगर इस आंख में दो कुव्वतें हैं, एक तो ये है ज़ाहिरी है, मैंने आपको देख लिया, आपने मुझे देख लिया, और एक इसी आंख में ऐसी दूरबीन की कुव्वत है जो हर एक को नहीं मिलती,
कि फर्श जमीन पर बैठकर अरश बरी को देखते हैं, तो आंखों में तो फर्क हुआ ना। एक आंख वो है जो मेरी और आपकी है, एक आंख वो है जो मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के महबूब हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फर्श जमीन पर बैठकर अरश बरी को देखते थे। देखो तो आंखों में फर्क हुआ ना, मालूम हुआ कि बज़ाहिर तो यही आंख थी, बज़ाहिर तो यही है, लेकिन आंख और आंख का फर्क है। तो आंखों से आपने देखा सूरज को, तो सूरज अपनी पूरी तमाशत के साथ दिन में जब निकलता है अगर उसको देख लिया जाए मुसलसल बिनाई जाती रहेगी, बिनाई जाती रहेगी। ये तमाम अतिबा ने डॉक्टरों ने लिखा है, अब अल्लाह आलम बिस्सवाब मुझे तो तजर्बा नहीं है, लेकिन किताबों में पढ़ा है कि अगर सूरज की रोशनी जब निसफ नहार पर हो तसलसल से अगर उसको देखा जाए बिनाई जाती रहती है। और बात भी सही लगती है, इसलिए कि थोड़ी देर तक भी अगर सूरज को ज़रा देखें तो आंखों में अंधेरा जैसा आने लगता है, तो इसलिए लगता है कि हाँ भाई तजर्बा है, सही होगा, डॉक्टरों ने लिखा है और दूसरे लोगों ने तजर्बेकार लोगों ने लिखा है, उन्होंने तजर्बा किया होगा, ठीक है। तो चांद की रोशनी को देख कर, सूरज की रोशनी और तमाजत को देख कर, उसके निकलने को और उसके गुरूब होने को, चांद के तुलू होने को और गुरूब होने को, सूरज के गुरूब होने को और तुलू होने को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू व अम्मा नबालुहू जो खालिक है, जो खालिक कायनात है, क्या तसव्वुर उसके मुतालिक उभरता है, ये आप खुद सोचिए और खुद आपने गौर फरमाया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू व अम्मा नबालुहू इस हसीन कायनात को देखने के बाद, इस खूबसूरत और हसीन दुनिया को देखने के बाद, इन मरगजारों को, चांद को, सूरज को और सितारों को देखने के बाद ख्याल आता है कि अल्लाह अकबर, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। चांद किस तरह से पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बढ़ता रहता है, क्या खूबसूरती है। सितारे किस तरह से निकलते हैं, खिलते हैं, फिर छुपते हैं, क्या हसीन मंजर है। शाम को आप समंदर के किनारे खड़े हो जाएं तो सूरज को गुरूब होते हुए आप देखिए, एक अजीब गरीब मंजर है। सुबह के वक्त आप खड़े हो जाएं तो एक बड़ा अजीब गरीब मंजर है, जब सूरज निकलता है बड़ा अजीब गरीब मंजर है और बड़ा प्यारा मंजर है। सूरज चांद जब निकलता है और चांद सितारों के झुरमुट में होता है, बड़ा अजीब गरीब मंजर है, कितना खूबसूरत लगता है। इस कायनात का खालिक, इसका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू व अम्मा नबालुहू जिसने पैदा किया है, इसकी इस पैदाइश और इस मखलूक को देखने के बाद ये ख्याल आता है जब ये इतनी हसीन है तो इसका बनाने वाला कितना हसीन होगा। अल्लाह जल्ल जलालुहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात जल्ल जलालुहू व अम्मा नबालुहू ने पैदा फरमाया। तुमने कायनात को देखा, देखा हसीन लगती है, उनका लगती चांद कैसा लगता है, वो बड़ा खूबसूरत है। सूरज देखा, वो बड़ा खूबसूरत है। सितारों के झुरमुट में तुमने चांद को देखा, उनका देखा बड़ा खूबसूरत है। इंसान ऐसा कोई खूबसूरत मॉडल, ऐसा कोई नमूना तैयार कर सकता है, उनका नहीं। क्योंकि तुमने दुनिया को देखा, तुमने कायनात को देखा, उसके हुस्न को देखा, इन तमाम हसीनों को देखने के बाद अब अंदाजा लगाओ कि मैंने इस कायनात को जो हुस्न दिया है, मैंने इस कायनात को जो खूबसूरती दी है,
मैंने इस कायनात को जो कशिश और जज़बियत दी है, इस सब कायनात का हुस्न, अपनी मखलूक का तमाम हुस्न मैंने हसीनों के हसीन मोहम्मद रसूलुल्लाह में जमा कर दिया है। हुज़ूर पुर नूर सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के हुस्न का निचोड़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद हसीन जरूर है लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उससे ज्यादा हसीन भी है। सूरज बहुत हसीन है लेकिन उससे ज्यादा हसीन भी कोई है। मरगजार हैं, लहलहाते हुए खेत हैं, दरियाओं की रवानी है, पानी का बहाव है, बड़े हसीन मरगजार हैं, वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, सरसब्ज व शादाब हैं। ये सब कायनात का हुस्न है और इस हुस्न में सबसे आला, सबसे बाला और सबसे वाला ज़ात पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अरबी के मशहूर शायर थे, अरबी के मशहूर शायर थे। ये तो ये है कि शायर हो, अशुअरा यत्तबिउहुम अल-ग़ाबून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून। शायर व शायरी होते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मुबालगा आराई भी करते रहते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, लेकिन एक शायर वो है कि जिससे जब पूछा कि तुमने कायनात का हुस्न भी देखा है, ये बताओ कि तुमको अल्लाह ने ये शरफ दिया कि तुमने अपनी इन आंखों से रसूलुल्लाह को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ कैसा देखा। उनका नाम था हसन, हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु वरदाहु अन्ना वरदियल्लाहु अन اصحاب رسول الله اجمعين। हसन इब्न साबित, तुमने रसूलुल्लाह को देखा, तुम शायर हो और तुमने हुजूर पुर नूर सैयदुल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद अब बताओ तुम्हारा क्या तासुर है, इंप्रेशन क्या है। जैसे आप किसी से पूछते हैं ना कि आपने देखा ये चांद और सितारों के दरमियान में क्या हसीन मंजर है, चांद सितारों के दरमियान में देखा क्या तासुर है। तो हसन इब्न साबित हुजूर पुर नूर सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल को मदीने मुनव्वर में देख रहे थे। मेरा जहन मुंतशिर हो जाता है, मैं बूढ़ा आदमी हो गया, हाफजा मेरा कमज़ोर हो गया है, जब इधर उधर कोई बात होती है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु के सहाबा के महबूब के सहाबा की जो जमात थी ये बड़ी मुकद्दस जमात थी, सहाबा भी मिसल थे, सहाबा का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी शान से बयान फरमाया। सहाबा का मर्तबा इतना बुलंद और इतना मकाम इतना अजीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है, रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौराते وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ। इन सहाबा की मिसाल अगर तुमको देखनी हो तो इंजील को देखो, तौरात में देखो, मालूम हुआ कि इंज
انجیل تو حضور سے پہلے اتری، زبور بھی حضور سے پہلے اتری، توریت بھی حضور سے پہلے اتری، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو حضور سے بہت پہلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی نام علیہ السلام حضور سے 571 برس پہلے تھے، تقریباً 550 سال کا عرصہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ، اور اس سے پہلے حضرت داؤد. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے صحابہ کا مرتبہ، ان کی عظمت اور ان کا ایثار اور قربانی جو وہ دینے والے تھے رسول اللہ کے دربار میں، اس کا ذکر ہم نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں بھی کیا ہے. یعنی صحابہ کی پیدائش سے پہلے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی رسول اللہ کا بھی ذکر ہے حضور کے تشریف لانے سے پہلے، اور حضور کے صحابہ کا بھی ذکر ہے. اللہ کو رسول اللہ کے صحابہ سے محبت تھی، بڑی محبت تھی. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلاله عما نوال ارشاد فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرہ. اللہ راضی ہوا ان صحابہ سے جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے بیعت کی اے محبوب آپ کے دست مبارک پر، درخت کے نیچے. یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے، اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، تحت الشجرہ درخت کے نیچے کی بیعت بھی کہتے ہیں، بیعت حدیبیہ بھی کہتے ہیں. آج کل کی جو بیعت ہے وہ پیری مریدی کی بیعت ہے، دنیا داری کی بیعت، نذرانے لینے کی بیعت، اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے کی بیعت دکھاوی کی ہے زیادہ تر، الا ماشاء اللہ. اصل بیعت جو ہے گناہوں سے توبہ، اصل بیعت جو ہے بیعت بیچ دیا، جہاد کی بیعت. اب جہاد کہاں ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہوتا، ڈر کے مارے لوگ چھپ جاتے ہیں، ڈر کے مارے لوگ جہاد کی بات بھی نہیں کرتے بعض اوقات. وَإِلَّا بیعت کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے جب بھی قربانی کا وقت آئے گا اپنے نفس کی بھی قربانی دینی ہوگی، اپنے مال کی بھی قربانی دینی ہوگی، اور اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا نا قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ایمان والو. اب دیکھیے، آپ سے کسی شخص نے کہا کہ میں اپنی گھڑی آپ کو بیچتا ہوں، آپ نے کہا میں نے خرید لی، تو نے یہ خرید لی، بات ختم ہو گئی، خرید لی، پیسے آپ نے دے دیے، انہوں خرید لی. اب ظاہر ہے جب گھڑی میں نے آپ کو بیچی، آپ نے خرید لی، لین دین ہو گیا، اب گھڑی کا میں مالک ہو گیا کیونکہ میں نے خرید لی، پیسے دے دیے. اللہ رب العالمین یہی مضمون قرآن میں فرماتا ہے. اب کوئی بھی ایمان والا